तो हेलो फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्टिक जीके में। दोस्तों, अभी बात करते हैं यूपीबीसी सखी का जो है स्कीम निकला हुआ है, एक योजना महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है, और इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। थोड़ा सा मिस करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल घंटी को दबा दीजिए, जिससे कोई वीडियो पर सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं यूपीबीसी सखी का जो एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से सबसे ईजी होता है, आप किसी की मोबाइल से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो योजना है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं अपना जो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं किसी की मोबाइल से। मोबाइल में सिंपली आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होती है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप उस टैप उसको क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपका लुक आता है जो है UPSL ऐसे आता है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ आपको ऐप का लुक, तो ऐप का लुक यही है आपका, ठीक है। ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन, तो मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है। और इसका फर्स्ट लुक आपको ऐसे देखने को मिलता है, सेकंड लुक यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन होना है, तो एक आपके पास मोबाइल नंबर होने चाहिए। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन होने के बाद उसमें आपको एक पासवर्ड आएगा, ओटीपी को डाल देने के बाद आगे नेक्स्ट हो जाएंगे। और जैसे करेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का सूचनाएँ आएंगी जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आपको कुछ परमिशन दिए जाएंगे, वहाँ पर अलाउ करनी है, परमिशन मांगेगा आपसे, तो सबको आपको अलाउ कर देनी है, लोकेशन वगैरह जो भी है। तो अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल पे लेके आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना सब कुछ डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल मैंने यहाँ पे कुछ डेमो के लिए भर रखा पहले से ही, तो बेसिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं का योजना है, तो महिलाएँ अपना नाम डालें, ठीक है। यहाँ पर मैं किसका नाम डाल दिया हूँ, ठीक है, तो लेकिन महिलाओं का पहला नाम, लास्ट नेम, ठीक है, सर नेम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है क्लिक करके, ठीक है, लिंक डालनी है, उम्र डालनी है, उसके बाद सामाजिक वर्ग, जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे डाल सकते हो, जिला कौन सा है आपका, जिला पे डाल सकते हैं, ब्लॉक डाल सकते हैं, ग्राम पंचायत डाल सकते हैं, गांव यहाँ पर लिखना है आपका, हेमलेट डालना है, ठीक है। हेमलेट आप इसका कोई वो नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पर, नंबर अगर कुछ भी डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जो 13 नंबर में आपको आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो, जो आधार कार्ड की फर्स्ट लुक है, उसको डालना है, और उसके पीछे वाला साइड फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करना है। उसके बाद 15 नंबर आता है आपका आधार कार्ड नंबर, आपको पूरा लिखना है, इसके बिना आपका नहीं होगा, आधार कार्ड नंबर डालना ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिता, यहाँ पे अपना जो है पिताजी का या पति का नाम डालना होता है। 17 नंबर आपको कितना आप पढ़े हैं, 10 पास हैं तो 10 पास पर क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, फिर से मोबाइल नंबर डालना है, और कौन सा मोबाइल चलाते हैं, अगर आप टच वाला चलाते हो टच वाला सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कीपैड का भी ऑप्शन है। फ़ोन करने के अलावा कौन कौन से कार्य कर लेते हो, यहाँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप डाल सकते हो कि सब कुछ कर लेता हो, अन्य पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई व्हाट्सअप नंबर है तो हाँ है। निम्न से कौन सा वाहन चलाने आता है, अगर मोटरसाइकिल साइकिल जो भी आपको चलाते हो सब पे आप टिक मार्क कर सकते हो। उसके बाद आपको फ्रेंड्स इतना करने के बाद ये आपका प्रोफाइल जो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको पारिवारिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जो सेकंड नंबर का है ऑप्शन, उस पर क्लिक, यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति डालना है, अगर हाँ आपकी शादी हो चुकी है तो हाँ करना है, नहीं हुई तो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, घर में कितने सदस्य हैं, बच्चे कितने हैं, जो 10 साल से कम के हैं वो वहाँ पर दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको 0 है तो 0 डाल सकते हो। यहाँ पे ओके टाइप करना है, 11 से 16 के बीच में जो भी होंगे तो उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी यहाँ पे नंबर डालना है 16 के ऊपर जो भी हैं वहाँ पे भी डालनी है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1-2 जो भी हैं। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन इसमें आता है, आपके परिवार का मुख्य आजीविका के साधन क्या है, जहाँ से भी आपकी आमदनी होती है घर की, वो वहाँ पर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, पारंपरिक खेती, ठीक है, जो भी है, छोटी अस्थाई दुकानदारी कर देनी है। फिर इसमें 4 नंबर आपका आता है, आपके परिवार के आजीविका के लिए और मुख्य अवसर क्या हैं, विद्युत से जुड़ा व्यवसाय, ठीक है, कर सकते हो। आपको रास्ते में क्या प्रमुख दिक्कतें हैं, पूंजी की कमी, तो जो भी है यहाँ पे आप टैग मार करके आप फिर स्लाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरह के जवाब का आसार, तो यहाँ पे फिर से आपको एक दिखा देगा, तो इसको क्या करना है, आपको जो है सबमिट पर क्लिक कर देना, जिससे यह सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है घर में कम से कम 3 अवसर, आवाज़ को ठीक कराना, पक्का मकान करना, नए कमरों का निर्माण करना, रंगाई करना, तो यहाँ पे कम से कम 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने ही होंगे, ठीक है।
तो आप तीन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको स्लाइड करके इसको सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। देख लीजिए अब यहाँ सबमिट के लिए अप्लीकेबल हो गया, हाँ कर देना है, ये सबमिट हो गया। फिर अगले भाग के लिए आप हो गए यहाँ पे भाग वन को भरना है। भाग वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य, प्राधिकारी, कम्युनिटी, समुदाय कैडर हैं? नहीं, तो यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है। बोला है कि पहले से कोई आप मतलब कार्यरत है किसी समूह पे, अगर आप हैं जैसे अध्यक्ष, हुआ उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी बो, मतलब बहुत से ऑप्शन है, सीएलएफ को ही खाते रखने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना। अगर है तो इसमें से ऑप्शन है, अगर इसमें से कोई भी है तो उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको स्लाइड करनी है कि आपने कभी समूह गठन करने की सोची नहीं, अगर सोची है तो हाँ कर सकते हो, नहीं सोची तो नहीं। उस नेक्स्ट करना है, फिर स्लाइड करके ऐसे, अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता, पता नहीं। जो भी है यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो, दो तीन भी समूह के सभी सदस्य हमारी बात मान कर चलने के कारण, तो यहाँ पे कुछ आपका जो क्वालिटी है उसको देख कर भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो। फिर पाँचवें नंबर पे आना, यहाँ पे बोला अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में है तो वो क्या है, जानकारी, उनकी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की अच्छी समझ, तो इसको भी आप सेलेक्ट। अगर आप यहाँ पे छठवां नंबर है कि अगर आप समूह में होते तो क्या सहयोग कर सकते, तो वे समूह के कार्य के बारे में जानकर बहुत हैं, तो तेज व्यवसायिक दिमाग रखती है, समूह के बचत को बहुत ज़्यादा उपयोग में ला सकती है। तो यहाँ पे जो भी आपको समझ में आए यहाँ पे बढ़िया से बढ़ के आपको वो भी टिक मार्क कर देना है। फिर नेक्स्ट करना है, आपके जवाब यहाँ पर दिखाएगा, जो भी आपने जवाब सेलेक्ट किए उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हाँ करना है, जैसे करेंगे सबमिट हो गया, देख सकते हैं। अब आप दूसरे भाग पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या समूह में निम्नानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रभाव होना चाहिए, तो उसका भी कुछ प्रावधान होना चाहिए, आपकी जो समझ में आए वो आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करनी है, आपका जवाब दिखाएगा, सबमिट कर देना है। तो हाँ पे क्लिक करके सबमिट हो गया। अब मैं आ गया हूँ तीसरे भाग पे, भाग नंबर तीन पे आपको क्लिक करना है, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख सकते हैं? हाँ। अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने में क्या कितना सहज है? खास नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो यहाँ पे ऑप्शन चुन सकते हो, नहीं तो कुछ खास नहीं, अगर थोड़ा मोड़ा आता है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान लेते हैं? हाँ, अगर आती है तो हाँ कर सकते हो। क्या आप हिंदी अंग्रेजी में जोड़ घटाव गुणा इत्यादि कर लेते हो? हाँ। तो कौन सदस्य आपके समूह का खाता वही रखता है, उनका रखरखाव करता है? स्वयं, यहाँ पे आपको स्वयं का ऑप्शन है। फिर आपको नेक्स्ट करनी है, स्लाइड करके नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा शब्द चुने, जैसे यहाँ पे मुद्रा, नगदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको बढ़िया से एक तरह से एग्ज़ाम भी आपको यहाँ पे हो रहा है, बढ़िया से ध्यान से देखना है। श्रम का कोई दूसरा नाम मेहनत हो सकती है, यहाँ पे व्यय का नाम व्यय का खर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समझ लीजिए एग्ज़ाम भी हो रहा है तो बढ़िया से आपको ध्यान देना है। निवेदन का क्या हो सकता है? अनुरोध, नवीन, सुशील, तो अनुरोध होगा। तो यहाँ पे आपका होगा ऋण का क्या होगा? कर्जा, दया, ऋषि, कर्जा होगा। और नीचे दिए गए वाक्यों के हुबहू मिलता हुआ कोई दूसरा वाक्य चुने, तो सेम उसी तरह मिलना चाहिए। वह विश्राम कर रहा है, वह काम कर रहा है, वह आराम कर रहा है, वह खेल रहा है, वह खा रहा है, वह सोच रहा है, तो वह आराम कर रहा है। विश्राम करना मतलब आराम करना। रमेश भ्रमण पर गया, तो रमेश काम पर गया, रमेश के पर घूमने गया तो घूमने गया, ठीक है। सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी हो गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड करनी है, नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्यों का सही मतलब बनाएं, तो माय नेम इज़ राजेश है, ये है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई लिव इन बनारसी, मैं बनारस में रहता हूँ। लाइक मैंगोज एंड बनाना, तो मुझे आम और केला पसंद है। आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद, इस पर क्लिक करना है। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। तो नवे नंबर पे आपको प्रतिशत निकालना, 100 रुपये का 20% कितना हुआ, तो यहाँ पे आपका 100 रुपये का 20% आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 300 रुपये का 30% कितना हुआ, तो यहाँ पे 300 का भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे 200 रुपये का 45% भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 500 रुपये का
5% उसको भी आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म को भर लेना है। एक तरह से आपका फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है प्लस आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक कोशिश करिएगा आप सही से फॉर्म भरें। और यहाँ पे फिर स्लाइड करनी है आपको नेक्स्ट पे आने के लिए। नीचे दिए गए लेखा वही के किस हिसाब से दिए गए विकल्पों पर अपना निर्णय लें। रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुकाया, तो रामू के पास कितने रुपये शेष बचे? ठीक है, तो 1000 लिया, इन्होंने 800 रुपये किसी को दिया, तो इनके पास 200 बचा। एक स्वयं सहायता समूह 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए तो कुल कितने रुपये के थे? 2000 ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट यहाँ पे राजेश ने विमला से 5% सालाना ब्याज पर 5% सालाना ब्याज पर 10,000 रुपये लिए, तो 2 साल बाद राजेश विमला को कुल कितने रुपए वापस देगा? ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन सहित इसको ब्याज सहित मतलब मूलधन प्लस ब्याज भी रिटर्न करना 2 साल में, तो टोटल कितने पैसे देगा? तो यहाँ आपको ध्यान से भर देना है इसको भी। उसके बाद नीचे आता है, महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दिए और 400 रुपये राहुल को दिए, 3000 रुपये अपनी माँ को दिए, तो अब महेश के पास कुल कितने रुपये शेष बचे थे? यानी हम इसको पहले कैलकुलेट, 6100 की बचना चाहिए टोटल, 6100 हमको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया, 20 रुपये, और उसने 25 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ? तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से आपको भर देना। तो फ्रेंड्स आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे भर देनी है, उसको नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे स्लाइड करनी है और आपके जवाब आ जाते हैं जो भी आपने भरा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेनी है और आपको सही लगता है तो उसके बाद सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हाँ करनी है, आपका सबमिट हो गया। पार्क 4 आपको टाइप करनी इसी तरीके से, यहाँ पे जो भी सवाल हैं, यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस हुआ, आसान कठिन कर सकते हो, ठीक है? तो आप किन के स्मार्टफोन पर ये ऐप यूज़ कर रहे हैं, मतलब उपयोग कर रहे हो, ठीक है? स्वयं के, अपने परिवार के सदस्य के, समूह साथी, किसी पड़ोसी के, अपने परिवार के, ठीक है? तो यहाँ पे जो जिसे भी जिसका भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, आपके समूह कितने सदस्यों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे जिनके पास भी है तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 2-1 जो भी है। आपके समूह में कितने सदस्यों के परिवार में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिनका भी आवश्यकता अनुसार कभी कभी उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी है आपको भर देनी है यहाँ पे बढ़िया से। इन फॉर्म को भरने के लिए क्या आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी? थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो नहीं, तो जो भी है यहाँ पे करने, अगर आपका स्वयं का मोबाइल हो तो क्या आप किसी बिना किसी की मदद के फॉर्म भर सकते हो? हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे करने के बाद फिर आपको स्लाइड करनी है, स्वयं के पास मोबाइल होने के बाद के लिए क्या मायने हैं, तो लगभग सारे ऑप्शन ही, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद समूह के बही खाता का रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति सही व आसान दोनों है, को जो भी है सही लगे उसको क्लिक कर सकते हैं। नंबर, मोबाइल पर कार्य करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है कितने समय की? जी अगर है तो आपको यहाँ पे, अगर हम तो बोलेंगे आपको प्रशिक्षण लेनी चाहिए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, 3 से 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करनी है आपको, जवाब जो सवाल का जवाब है यहाँ पे दिखाई देगा, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देनी है, जैसे करेंगे और यहाँ पे धन्यवाद आपने पढ़ के समाप्त हुआ, धन्यवाद यहाँ पे देख सकते हो, ओके कर देना है। ये जितने भी आपको बेसिक प्रोफाइल से लेके जो भी भाग था, 4 भाग तक मैंने कंप्लीट करके दिखाया आपको, इस ऐप पर आपका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो आपका सब कुछ ओके हो गया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा सब कुछ ओके, बस इतना ही कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका रजिस्टर्ड हो गया। आपको बस अपने मोबाइल नंबर याद रखनी है, जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया हुआ है उस मोबाइल नंबर से किसी भी मोबाइल में आप उसको लॉगिन करके OTP के माध्यम से आप इस यहाँ तक आप आ सकते हैं। बस आपकी ये प्रोफाइल थी, इतनी आपको करना था। आपका ये आवेदन सबमिट हो चुका है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पूरा जानकारी आप देख सकते हो अपनी, हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म बहुत ही कम टाइम और बचा हुआ है और जल्दी से जल्दी आप लोग
अपने फ्रेंड तक, अपने परिवार तक पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले और फॉर्म को अप्लाई कर सके। इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त प्रदान करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एक फिर से न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।